तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ECS T10 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा SSD वर्सेस HS के बीच में। अगर यहाँ के विकेट के बारे में बात करें, पूरी तरह से दोस्तों एक न्यूट्रल विकेट है, बैट्समैन और दोस्तों बॉलर दोनों को काफी अच्छा स्पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 5 मुकाबले चेक करें, आप देखोगे दोस्तों JKP की जो टीम है वो 62 रन पर ऑल आउट हो गई थी और सामने वाली टीम ने 7 विकेट से मुकाबला विन किया। यहाँ पर टोटल दोनों इनिंग में 13 विकेट गिरे। GR दोस्तों 53 रन बना पाई, सामने से जो टीम है वो 7 विकेट से विन कर गई। यहाँ पर दोनों इनिंग में 10 विकेट गिरे। फिर दोस्तों GR की टीम 45 बना पाई थी, सामने वाली टीम एक तरफा 10 विकेट से विन कर गई, यहाँ पर 6 विकेट गिरे। और कल के लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए वहां पर देखोगे दोस्तों JKP ने 96 किया था, सामने वाली टीम को 71 पे रोक दिया। और यहाँ पर देखोगे दोनों इनिंग में दोस्तों 16 विकेट गिरे। और जो लास्ट मुकाबला था उसमें HS ने 96 किया, सामने से JKP की टीम ने मुकाबला 6 विकेट से विन किया, यहाँ पर दोस्तों 9 विकेट गिरे। यानी लगभग आप देखोगे दोस्तों रन भी यहाँ पे ठीक ठाक बन रहे हैं और विकेट भी दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे गिर रहे हैं, यानी बैट्समैन और बॉलर दोनों को अच्छा स्पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं SSD के बारे में। इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला विन किया है, एक मुकाबला हार कर आए हैं। नियाज मोहम्मद टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, पहले मैच में अटैकिंग 52 बनाए, लास्ट मैच में 7 रन पर आउट हुए थे। उमेर चौधरी दोस्तों एवरेज परफॉर्मर बल्लेबाज हैं, पहले मैच में 3 और लास्ट मैच के अंदर 13 रन बनाए। सफाकत अली सैयद दोस्तों टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर हैं, पहले मैच में 25 किए थे, दूसरे मैच में 19 किए। बॉलिंग में भी ये आपको 2 ओवर कंप्लीट डालकर देंगे, पहले मैच में 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला। इनके बाद दोस्तों मुस्तफा हकीम है, हकीम की बैटिंग देखोगे दोस्तों पहले मैच में 1 और लास्ट मैच में 21 नाबाद किया। बॉलिंग में 1 से 2 ओवर बॉलिंग की है, पहले मैच में 1 ओवर 0 विकेट और लास्ट मैच में 2 ओवर 1 विकेट निकाला। गौतम भारतीय दोस्तों 2 मैच में पारी जरूर आई है, लेकिन दोस्तों ज्यादा गेंदे खेलने को नहीं मिली, 4 नाबाद और लास्ट मैच में 0 रन पे नाबाद रहे। कार्तिक चारी है, अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। आदित्य सोमवसी आपको 2 ओवर कंप्लीट डालकर देंगे, पहले मैच में भी विकेट नहीं और लास्ट मैच में भी विकेट नहीं मिला। आदित्य अरोड़ा है, पहले मैच में 1 ओवर डाला, विकेट लेस थे, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला दोस्तों, इन्होंने 2 विकेट टीम को निकाल के दिए। यासिर मलिक है, लास्ट मैच में खेले थे, 2 ओवर डाले और दोस्तों 3 विकेट निकाले। T20 2021 के अंदर इन्होंने 12 ओवर बॉलिंग करते हुए 6 विकेट निकाले थे, अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं। परवीन कुमार हैं, पहले मैच में 5 ही गेंदें डाली थी, लास्ट मैच में 2 ओवर कंप्लीट किए और 1 विकेट निकाला। शिव गौड़ा को अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। पावर प्ले में दोस्तों आदित्य अरोड़ा, सफाकत अली और परवीन कुमार आपको नजर आ सकते हैं। और डेथ के अंदर दोस्तों यासिर मलिक, आदित्य अरोड़ा और मुस्तफा हकीम आपको बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं। बाकी अगर टीम कोई चेंज करेगी तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं HS के बारे में, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 4ों मुकाबले हारे हैं। प्रमोद चंद्रशी के दोस्तों आपको ओपन करते नजर आएंगे, परफॉर्म देखोगे 0 नाबाद 8 और लास्ट मैच में 4, यानी अभी तक सुपर फ्लॉप है। लेकिन दोस्तों T10 2020 में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, 4 मैच में 50 बनाए थे, यानी 15-20 रन ये बना सकते हैं। सुहास सेठी हैं, अटैकिंग टाइप के बल्लेबाज हैं, 3 मैच में बैटिंग की, 1 मैच में 10, 1 मैच में 31, लास्ट मैच में 35 बनाए। इनके बाद M प्रभु हैं, बैटिंग देखोगे प्रभु की तो पहले मैच में 25 किए थे, उसके बाद बैटिंग तो सुपर फ्लॉप रही है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि 2 ओवर आपको कंप्लीट डालकर देंगे और अब तक दोस्तों खेले गए 4 मैचेस के अंदर ये 4 विकेट निकाल चुके हैं। इनके बाद दविंदर सिंह है दोस्तों, दविंदर सिंह एक जबरदस्त अटैकिंग बल्लेबाज हैं, 32 नाबाद पहले मैच में, फिर 10 नाबाद 0 और लास्ट मैच में 45 नाबाद, तो बैटिंग के तौर पर दोस्तों इनकी ओर से बिल्कुल एक जबरदस्त पिक रहेगी। सतीश कुंजीर है दोस्तों, पहले मैच में 3 नाबाद, उसके बाद दोस्तों 0 और लास्ट मैच में 3 किया, अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप कर रहे हैं। सचिन सेठी के बारे में बात करें, 2 ओवर आपको कंप्लीट डालकर देने वाले हैं, शुरू के 3 मैचों में सेठी को कोई विकेट नहीं मिला, लास्ट मैच में 2 ओवर में दोस्तों इन्होंने 1 विकेट निकाला। इनके बाद दोस्तों रवि राजेंद्रन है, अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। दीना कर्ण है दोस्तों, दोनों मैचों में 2-2 ओवर बॉलिंग की है, 1 मैच के अंदर 4 विकेट निकाले, 1 मैच में 1 विकेट निकाला। इनके बाद गणेश कृष्णामूर्ति है, कृष्णामूर्ति से भी टीम लगभग 2 ओवर डलवाती है, पहले मैच में विकेट नहीं था लेकिन उसके बाद इसलिए दोस्तों 3 मैचेस के अंदर इन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। रोहित साफरू है, 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करेंगे, शुरू के दोनों मैचेस में विकेट लेस गए थे लेकिन लास्ट के दोनों मैचेस के अंदर दोस्तों इन्होंने 2 विकेट निकाले। अली हसन को अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है।
अगर गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखें तो पावर प्ले के अंदर सचिन शेट्टी और गणेश कृष्णामूर्ति, और डेथ में देखा जाए तो रोहित साफरू, मैं मदन प्रभु और दोस्तों यहाँ से एक कृष्णामूर्ति आपको नज़र आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम के दो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपिंग में देखेंगे तो नियाज मोहम्मद हमारे लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन पिक है। इनके अलावा दोस्तों सचिन सेठी भी एक अटैकिंग बल्लेबाज हैं, अगर आप चाहें तो एक गेंदबाज को ड्रॉप करके आप यहां से सचिन सेठी के साथ जा सकते हैं। इनके बाद दोस्तों यहां से बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैंने डी सिंह को रखा है, यू चौधरी को रखा है। यहां से दोस्तों जी भारती के बारे में अगर बात करें तो एवरेज परफॉर्मर प्लेयर है दोस्तों, कई बार परफॉर्म करने का मौका मिलता है कई बार नहीं मिलता, तो अभी के लिए मैं दोस्तों इनको थोड़ा सा ड्रॉप करके रिस्क ले रहा हूं। और मैं दोस्तों एस कुंजीर को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं क्योंकि कुंजीर को दोस्तों बैटिंग करने का लगभग हर मैच के अंदर मौका मिल जाता है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में एस अली सैयद है, वाई मलिक है और दोस्तों यहां से मैंने डी करण को अपनी टीम में ट्राई किया है। तीनों बेस्ट और बेहतरीन पिक रहने वाली है। इनके अलावा एस सेटी है दोस्तों, इनको आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करके चल सकते हैं। अगर दोस्तों ए पांडा खेले तो ये भी ग्रैंड लीग की आपके लिए एक डिफेंशियल पिक बन सकती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में कृष्णामूर्ति प्रभु दोस्तों दोनों बेस्ट पिक है। एम हाकिम को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। नीचे के ऑप्शन में दोस्तों मैंने अभी के लिए रिस्क के तौर पर आर शाफरू को ट्राई किया है। हो सकता है दोस्तों नेटरोज के बाद यहाँ से साफरू को ड्रॉप करके यहाँ से दोस्तों एचएस की ओर से एस सेटी के साथ भी जा सकता हूँ क्योंकि सेटी भी एक दोस्तों शानदार अटैकिंग बल्लेबाज है। अगर एचएस की पहले बॉलिंग आएगी तो साफरू को, अदरवाइज दोस्तों मैं इनके विकेट कीपर को ट्राई करने वाला हूँ। इनके अलावा ए अरोड़ा भी दोस्तों आपके लिए सेफ और अच्छी पिक रहेगी, इनको भी काफ़ी अनुभव है दोस्तों, कई बार अच्छे खासे गुच्छों में विकेट निकाल जाते हैं, तो स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट पिक है और ग्रैंड लीग में तो आप दोस्तों जरूर इनको ट्राई करके चल सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों जो स्क्रीन पर आप टीम देख रहे हैं ये हमारी एक डेमो टीम रहने वाली है। जो फाइनल टीम होगी वो टॉस पे डिपेंड करेगी और टॉस के बाद टीम में जो भी चेंजेस होंगे उसकी अपडेट मिलेगी आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों दो लिंक है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के नीचे मेंशन किए हैं, जहां से आप क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों एस अली सैयद और एम प्रभु दोनों बेस्ट पिक है, आप चाहें तो इनको रिवर्स करके भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो नियाज मोहम्मद है दोस्तों, डी सिंह को तो आप अपने ग्रैंड लीग में जरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। इनके अलावा दोस्तों गेंदबाजी के अंदर देखा जाए तो यहाँ से वाई मलिक है, यहाँ से एम हाकिम भी गुच्छों में विकेट निकाल जाते हैं, कृष्णामूर्ति हैं, ये भी दोस्तों एक हाई रिस्क की टीम में आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और अपडेटेड टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।